जवारबाग सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों खर्च, देखरेख के आवाम में टूटे झूले, वही पानी को भटक रहे हैं पर्यटक। प्रदेश सरकार के द्वारा 15 करोड़ रुपए की लागत से जवारबाग का सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए झूले, सुंदर सजावट, जिम की अत्यधिक व्यवस्थाएं भी की गई। पार्क में देखरेख के अभाव में अब व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। अलीगढ़ से मथुरा के जवारबाग घूमने आए एवं शिव नरेश द्वारा बताया गया कि पार्क में लगे हुए झूले टूट गए हैं, जिन्हें सही नहीं किया गया। वहीं इस बारे में बाग में टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। पार्क में महिलाएं पुरुष दोनों आते हैं, उनको तकलीफ होती है। यह टॉयलेट की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कराई जाए। टॉयलेट बनी हुई है लेकिन उनमें भी ताला लटका हुआ है। वहीं पर्यटकों के द्वारा पार्क में पीने की व्यवस्था भी कहीं भी नहीं दिखाई जा रही है, जिसके चलते पर्यटकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं अलीगढ़ से घूमने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर मैंने देखा तो मेरा एक दोस्त यहाँ झूला झूलते समय गिर गया, थोड़ी सी चोट भी लगी। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की थोड़ी व्यवस्था को देखा जाए और पर्यटकों के प्रभाव से यहाँ को ठीक किया जाए। अगर जिम की बात करें तो यहाँ पर जिम की क्या व्यवस्था है? जिम की व्यवस्था तो ठीक है, पर छोटी मोटी कमी है यहाँ पर, उनको व्यवस्थित किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव नरेश है। नरेश जी कहाँ से आए और कौन सी जगह में बात कर रहे हैं? हम अलीगढ़ से आए हुए हैं आज बांके बिहारी जी के दर्शन करने, मथुरा जैसी पवित्र नगरी में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने और अपने जवाहरबाग के बारे में जो सुना उस जवाहरबाग के दर्शन करने तो घूमने यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगा घूम के, सारी व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया थी, लेकिन पार्क में कहीं कहीं व्यवस्थाएँ जो पार्क था वो कहीं कहीं अव्यवस्थित रूप में पाया गया। जो झूले थे कहीं वो टूटे हुए थे, पानी की समस्या रही, बाकी बहुत आनंदमय था। अगर इस पार्क की बात करें तो क्या जानकारी है आपके पास? इस पार्क के बारे में जैसा कि मैंने सुना है इसके इतिहास के बारे में, इस पार्क का जो अवैध कब्जा कर रखा था, इस पार्क के अवैध कब्जे को खुलवाने हटवाने के लिए हमारे दो जवानों ने बड़ी अपनी शहादत दी थी। उसके बाद इस जो हमारा ये जवाहर बाग है ये कब्जा मुक्त हुआ, लोगों के लिए आम रास्ता हुआ, आम बाग बना और उनके घूमने की देखने के इतिहास को जानने की जगह बना ये। तो ये बड़ा इनका इतिहास था और आज घूमने में देखने में अच्छा लगता है कि आज ये सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। क्या परेशानी रही अगर परेशानियों की बात करें? परेशानियों को देखा जाए तो वैसे तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन धूप में जैसी व्यवस्था है यहाँ पर पानी का अभाव है। थोड़े झूले वगैरह टूटे हुए हैं, बच्चे आते हैं तो बच्चों को देखा तो झूले टूटे हुए हैं, बड़े बड़े झूलों में गर्म है, पानी नहीं है। पानी ये कितनी दूर तक नहीं? पानी लगभग बाग जो पार्क की शुरुआत होता है ये जवाहरबाग की, वहाँ पर ही उपलब्ध है, उसके बाद कहीं पूरे पार्क में अंदर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है।